रोजाना ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टॉक न्यूज़ को और दबाएं इस घंटे को ताकि आपको मिले रोजाना नए नए अपडेट्स। जूही चावला ने की थी अपने से 7 साल बड़े आदमी से शादी। देखें उनके पति की ये तस्वीरें, कहते हैं प्यार अधा होता है। यह लाइन 100% सत्य है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे कपल्स हैं जिनकी उम्र और जात पात में काफी अंतर है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने एक दूसरे से शादी की है। लेकिन फिर भी वे लोग आज के समय में साथ हैं और अपने रिश्तों को बखूबी निभा रहे हैं। आज के इस लेख में ऐसे ही एक कपल के बारे में आपको आज बताने जा रहे हैं। आज के इस लेख में हम बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय अभिनेत्री रही जूही चावला के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने अपने से 7 साल बड़े आदमी से प्यार किया और दोनों ने आपस में शादी भी की। जूही चावला 90 की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री रह चुकी हैं। उन्होंने साल 1984 में मिस इंडिया का खिताब भी जीता था और साल 1986 में उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी। उनकी डेब्यू फिल्म का नाम सल्तनत था। उन्हें फिल्मों में असली सफलता आमिर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक से मिली थी। इस फिल्म में काम करने के बाद वे रातों रात सुपरस्टार बन गई थी और उन्हें इस फिल्म के लिए अवार्ड से भी नवाजा गया था। जूही की लव लाइफ की बात करें तो राकेश रोशन की फिल्म कारोबार की शूटिंग के दौरान जब उनकी टीम साउथ अफ्रीका गई थी तो राकेश रोशन ने अपने मित्र जय मेहता को जूही से मिलवाया था। ये दोनों की पहली मुलाकात थी। जय और जूही अपनी पहली मुलाकात के बाद धीरे धीरे आपस में नजदीक आते गए और आपस में अच्छे दोस्त भी बन गए थे। जय मेहता पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद वे अकेले हो गए थे और इसी बीच उनकी मां की तबीयत भी ज्यादा खराब हो गई थी। जूही ने उनकी मां की काफी सेवा की थी, जिसके चलते जय की मां को जूही पसंद आ गई थी। इसके बाद अचानक से 1995 में जूही ने जय मेहता से शादी करके सबको हैरान कर दिया था। उनके कई फिल्मी दोस्त इस बात को लेकर उनसे निराश भी थे। तब जूही ने अपनी कुछ साइन की हुई फिल्मों को जल्द ही खत्म कर फिल्मी दुनिया से थोड़े समय के लिए दूरी बना ली थी, लेकिन अब वे फिर से फिल्मों में वापसी कर चुकी हैं।